नमस्ते, मैं अभिषेक। और चुनावी माहौल चल रहा है और बात करें मऊ जनपद में चुनावी माहौल, तो यहाँ की सदर सीट चर्चे में है। चर्चे में इसलिए है कि यहाँ पर चुनावी मुकाबले के अलावा यहाँ का जंग एक व्यक्तिगत जंग है। जी हाँ, इस समय बीजेपी के अशोक सिंह हैं और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी है। इन लोगों की तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता है ही, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी इन लोगों की दुश्मनियाँ हैं। तो ऐसे में चुनाव पे सबकी नज़रें हैं, तो आज मिल गए हैं बीजेपी के अशोक सिंह हैं। इनसे बातचीत किया जाएगा कि चुनावी माहौल किस तरह चल रही है, क्या तैयारियां हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है चुनावी माहौल? चुनावी प्रचार चल रहा है, सारे लोग लगे हुए हैं, जनता मन बनाई हुई है माफिया राज से मुक्ति के लिए। मऊ में जो कलंक का टीका लगा है उसको खात्मे के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। सर, प्रचार प्रसार चल रहा है? जी, प्रचार प्रसार पूरी तरह चल रहा है। क्या लग रहा है, फतह हो जाएगा? इस बार तो फतह होने ही होने हैं। पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य किए गए हैं इन 5 सालों में, कोरोना काल से लेकर और गरीबों के लिए जो योजनाएँ लाई गई हैं, जनता पूरा मन बना चुकी है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। ये तो है ही, लेकिन आप जब चुनावी मैदान में जाते हैं तो एक तो आपके पास भाजपा का ये है, वो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की पारिवारिक दुश्मनी भी एक सामने आ जाती है। आपके भाई की हत्या हुई थी, उसका आरोप लगा मुख्तार अंसारी पे, उसको कितना देखते हैं कैसे चुनाव में? वो जनता की सहानुभूति उस बातों को लेकर है ही। हमारे भाई की हत्या हुई, सहयोगी राम सिंह मौर्या थे उनकी हत्या हुई, सुरक्षा में लगाए गए थे सिपाही सतीश कुमार उनकी हत्या हुई। तो अपराधी, इनका काम अपराध करना है और ये जो अपराधी और विधायक बने हुए हैं ये सत्ता के दम पर होते हैं। जिस दिन सत्ता का साया सर से हट जाता है, मुख्तार अंसारी की औकात देखे होंगे, पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में आना न पड़े उसके लिए कितना कितना नाटक उन्होंने किया, घुटनों के बल बैठ गए, व्हील चेयर पकड़ ली, यही इन लोगों की औकात है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। वो है तो क्या लगता है कि वो चुनावी मैदान चले गए हैं तो बेटे अब्बास अंसारी आए हैं, कितना आपसे चुनावी उनके चल रहा है मुकाबला? बेटा हो या बाप, बात एक ही है, बेटा भी तो उसी अपराध और हराम के पैसे से पला बड़ा है, हत्या करके, जमीनों को कब्जा करके, गरीबों को लूट करके, व्यवसायियों से को लूट करके, यही सब धन है मुख्तार अंसारी। और कौन सा बिजनेस मुख्तार अंसारी के पास है, कहाँ के स्टेट रहे हैं? पहले मुख्तार अंसारी टिकट ब्लैक करते थे और उनके भाई अफजाल अंसारी वहीं टैक्सी स्टैंड साइकिल स्टैंड पर, वो सिनेमा हॉल था राय साहब का, वहीं साइकिल का वो लगवाते थे, स्टैंड पर साइकिल लगवाते थे, यही लोगों की औकात थी। लेकिन आज तो औकात है, 5 बार के विधायक हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। 5 बार के विधायक जो बने हैं वह सत्ता के बदौलत बने हैं। जब सत्ता का संरक्षण रहता है तो ये लोग अपराध भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं। जब सत्ता का संरक्षण सर से हट जाता है तो इस बार के चुनाव में उनके पूरे परिवार को उनकी क्षमता का पता लग जाएगा कि सत्ता का जब सहयोग नहीं रहेगा, माफिया पसंद सरकारें हैं नहीं, पहले सरकारें माफिया पसंद हुआ करती थी, सपा की हो बसपा की हो। तो अब देखिएगा चुनाव का परिणाम 10 मार्च को जो आएगा क्या रहेगा, आप खुद देख लेंगे। ये तो है, लेकिन पूरे जो यूपी की राजनीति में चर्चा चल रहा है जेसीबी, वो जेसीबी मऊ में खूब चली और मुख्तार अंसारी के लोगों पे चली, उन पे चली। तो अब्बास अंसारी बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि प्रशासन द्वारा हमें परेशान किया गया, उसका जनता जवाब देगी चुनाव। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी के लोगों को जिनकी आप बात कर रहे हैं, या मुख्तार अंसारी से, इस मऊ में हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे बड़ी बड़ी औकात मुख्य हैं, क्यों नहीं उनके घर पर बुलडोजर चला? उत्तर प्रदेश में, पूरी उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है, लेकिन जो अपराध करेगा, जो माफिया है, अपराध से अर्जित धन है, पूज्य योगी जी की सरकार में उनको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर जहां से आए हैं वहीं पहुंचा दिया जाएगा। ये है अशोक सिंह जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्या सोचते हैं कि मऊ में हम चुनाव जीतेंगे तो ये काम करेंगे, विधायक बनने के बाद ये मेरे प्राथमिकता में होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चल रही हैं जनहित की, उसको लोगों के बीच बताया जा रहा है। दूसरे दो यहाँ मिले हैं, स्वदेशी काटन मिल, परराहा काटन मिल, दोनों मिलों को चलवाने का प्रयास करवाया जाएगा। केंद्र में अपनी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बनने जा रही, तो दोनों मिलें चलेंगी। मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो अभी यहाँ नहीं हुई है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना जल्द से जल्द करवाया जाएगा। कुछ पुल वगैरह हैं रतनपुरा साइड में, और सड़कें जो हैं, जो एक जनप्रतिनिधि को अपने द्वारा अपने प्रयास से करने चाहिए, वह जो 25 सालों में काम नहीं हुआ है, वो पूरी कोशिश करके जनता अगर मुझे चुन लेती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है,
तो 25 सालों के जो रुके हुए विकास के कार्य हैं, ये 5 सालों में पूरा किया जाएगा। कितना मुकाबला देख रहे हैं अशोक सिंह सामने, किसको देख रहे हैं, भीम राजभर को देख रहे हैं या अब्बास अंसारी? देखिए, हमारी लड़ाई एक तो बसपा की बात कर रहे हैं, बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है, और दूसरी एक धर्म के साथ है और एक धर्म के विरुद्ध है, एक राष्ट्र के साथ है, एक राष्ट्र के विरुद्ध है। तो हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, और जो राष्ट्र के विरुद्ध है उनसे लड़ाई की क्या बात की जाए, जनता जवाब देगी, जनता मन बना चुकी है, और जनता जिसको चाहेगी उसी के सर पर ताज होगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आप लोग भी लोगों के बीच जाते होंगे, पूछते होंगे, जनता का राय लेकर देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति है। हाँ, आप ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद की बात उठाए, अब्बास अंसारी कहते हैं हमारे परिवार देश के आंदोलन में वर्तमान समय में एक संभ्रांत परिवार रहा है, हमारे परिवार का योगदान ये है। अपने दादाजी को बताते हैं डॉक्टर मुख्तार अंसारी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनको बताते हैं। दूसरा बताते हैं कि हमारे नाना ब्रिगेडियर उस्मान जी हैं। तीसरा बताते हैं कि इनको उप राष्ट्रपति जो हैं हामिद अंसारी जी, उनको बताते हैं कि हमारे चाचा हैं। मुख्तार अंसारी के दादा का नाम कासिम अंसारी है, पहली बात, सगे दादा का नाम कासिम अंसारी जी है। उनकी ननिहाल सैदपुर, गाजीपुर सैदपुर के पास, सैदपुर भितरी में है, और ब्रिगेडियर उस्मान जी आप लोग भी जानते हैं कि घोसी के रहने वाले हैं, बीबीपुर के रहने वाले हैं। रहे उनके चाचा की बात, तो चाचा उनके हैं तो नहीं, लेकिन जो उनके कर्म हैं, जो उनके बयान हैं, जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, तो इससे लगता है कि ज़रूर इनके सगे चाचा होंगे उपराष्ट्रपति जी। यही तो है इनका इतिहास। चुनाव मुद्दा बनेगा ये सर? जनता सब समझती है चुनाव मुद्दा क्या मुद्दा है, इन सबको पारिवारिक बातों पर मुद्दा बनाया जाता है। आपने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। वो तो मुद्दा बना रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि हमारा ये है। वह लोग झूठ फरेब हमेशा बोलते हैं, चाल चरित्र चेहरा हमेशा बदलता रहता है, कभी बहन जी का हाथ पकड़ के विधायक बने, कभी माननीय मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ के विधायक बने, आज ओम प्रकाश राजभर को पकड़े हुए हैं। यही ओम प्रकाश राजभर 2012 में जब पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने आए तो इन्होंने कहा था कि मैं कोई पद नहीं लूँगा, नहीं मेरे घर का कोई व्यक्ति कोई चुनाव लड़ेगा। उसी चुनाव में पूरा खानदान लड़ा और हारा। भारतीय जनता पार्टी का एहसान मानिए कि उनके पीठ पर हाथ रख दिया, और ये एक बार सदन का मुंह देख लिए, इस बार सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे, उन्हीं के दल से लड़ रहे हैं। तो रोज़ लोग संबंध बदलते हैं, दल बदलते हैं, इनकी क्या बात है? दल बदलते हैं, लेकिन मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था तो कुछ लोग हैं यहाँ के जो राजभर जाति के आपके बीजेपी के उम्मीदवार जाकर प्रचार कर रहे हैं विजय राजभर का, लेकिन कह रहे हैं हम तो छड़ी पर वोट देंगे सदन में। नहीं, कैसे मताधिकार का के लिए स्वतंत्र है, व्यक्ति क्या करता है ये आने वाला परिणाम 10 तारीख को बताएगा। हम स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, किनको मत देते हैं, किनको वोटिंग करते हैं वो आपके ऊपर है, और किसी जात विशेष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस अवधारणा पर चलती है। आप बताइए, जो भी योजनाएँ सरकार की आती हैं, उज्ज्वला की आई हों, आपके शौचालय आया हो, आवास आया हो, जनधन खाते जो खुले हैं उसमें आते हैं, विधवा वृद्धा पेंशन है, इसके बाद आपका किसान सम्मान निधि है, कौन सा भेदभाव किया गया, किसी अल्पसंख्यक को नहीं मिला है या किसी हिंदू को नहीं मिला है, उसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच का कोई भाव किया गया है? तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, और सब लोग समझते हैं, और सारे लोग, हर वर्ग के लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। लास्ट क्वेश्चन, अब्बास अंसारी आप लगाते हैं कि अशोक सिंह को प्रशासन संरक्षण दे रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा? नहीं, अपराधी तो हमेशा प्रताड़ित होंगे ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ अपराधियों की तो दुर्दशा होनी है। और अशोक सिंह का कौन सा संरक्षण मिल रहा है भाई? हमारी जो पास की गाड़ी है उसके अलावा कोई गाड़ी में लेकर चलता हूँ? मान लीजिए कोई समर्थक है, आ गया, हम जा रहे हैं, साथ पीछे गाड़ी लग गई, तो उसको लोग बता देंगे कि इतनी गाड़ियाँ इनके साथ चल रही हैं। मैं चार गाड़ियाँ, चार लंबी लंबी काफिलाएँ तो खूब चल रही हैं, प्रदर्शन खूब हो रहा है। नहीं, प्रदर्शन का यह मतलब है कि जैसे आप चल रहे हैं और आपका कोई शुभचिंतक आपके पीछे लग लिया, आपने कहा नहीं, अब उसको उसी में जोड़ लिया जाए तो उसको क्या कहा जाए? चुनावी माहौल सब चलेगा। हाँ, चुनाव में तो चलता ही रहता है। चलिए, बनाए रखिए, आपसे बातचीत हुआ।